हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्यपुरम। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने साइंस के क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर, फैदोमीटर, हाइग्रोमीटर या टेकोमीटर? तो जो हमारी दूध की शुद्धता है वो हम लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भूकंप मापी यंत्र है, भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, स्ट्रोबोस्कोप या इनमें से कोई नहीं। भूकंप को जो हम मेजर करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोग्राफ। तो हम सिस्मोग्राफ से इसको मेजर करते हैं भूकंप को। तो सिस्मोग्राफ ए इज द राइट आंसर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ट्रेजर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या वैक्समैन या लुईस पास्चर? तो जो आपका रेबीज के टीके की खोज जो किसने की थी, तो लुईस पास्चर ने की थी। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लुईस पास्चर। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? मछलियों की जो लीवर होती है उसमें जो तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता, मतलब मात्रा ज्यादा होती है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। तो विटामिन डी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स, बी सिक्स, विटामिन सी या विटामिन ए? तो आपका जो विटामिन सी होता है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एटीन कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? 18 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसमें कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? 50%, 75%, 60% या फिर 100%? तो आपका जो 18 कैरेट होता है उसमें सिर्फ 75% ही शुद्ध सोना होता है। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंदूर किसे कहते हैं? सिंदूर किसे कहते हैं? लाल लेड, Pb3O4 या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Pb3O4। इसका नाम होता है लेड टेट्राऑक्साइड। Pb3O4 लेड टेट्राऑक्साइड। Fe रासायनिक प्रतीक है, Fe रासायनिक प्रतीक है टीन का, लोहे का, तांबे का या एल्यूमिनियम का? ये जो टीन होता है फेरम, आयरन, फेरम, ये आयरन का रासायनिक होता है, रासायनिक प्रतीक होता है लोहे का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है? जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2, NH3, CO2 या फिर HCl? जो आपका जल में सबसे कम घुलनशील होता है ना वो N2 होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सोडा वाटर जो हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं उसमें कौन सी गैस यूज होती है? NO, CO, CO2 या फिर SO2? तो उसमें जो हम जो सोडा वाटर या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करा जाता है। तो आपका CO2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी या फिर यूरेनियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम हो गया हमारा सबसे भारी धातु, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और फिर आपका सबसे हल्की धातु हो गई लिथियम। सबसे हल्की धातु है हमारी लिथियम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, अहमदाबाद या फिर गुवाहाटी? तो हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है त्रिवेंद्रम में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रमपुरम। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 40, 43, 44 या फिर 46? तो हमारे मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होती है। और अगर पेयर में पूछा जाए तो 23 होती है, पेयर में 23। और ऐसे मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या ऐसे विदाउट पेयर तो हमारा 46 हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य में रक्त रक्त की औसत मात्रा होती है, एक मनुष्य में जो रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या फिर 6 से 7 लीटर। तो एक नॉर्मल मनुष्य में हमारा कितना? 4 से 5 लीटर ही खून, नॉर्मल रेंज है 4 से 5 लीटर खून। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, कोबाल्ट, निकल या फिर आयरन। तो हमारा जो हेमोग्लोबिन में जो उपस्थित होता है तो वो आयरन, आयरन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सौर्यमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? सौर्यमंडल में अत्यधिक सबसे तीव्र चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, बुध या फिर प्लूटो? तो हमारा सबसे चमकीला ग्रह हो गया ये शुक्र हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? मंगल, बृहस्पति, बुध या फिर शुक्र? तो ये आपका हो जाएगा मंगल, मंगल ग्रह जो है हमारा लाल कलर का दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध? तो भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। अच्छा, शुक्र को ना संध्या का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, और ये हमारे सौर्यमंडल में सबसे गर्मीला ग्रह है शुक्र, सबसे गर्मीला ग्रह शुक्र है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह है बुध, शुक्र दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा जो बिना उपग्रह वाला जो ग्रह है वो हमारा बुध और शुक्र दोनों हो गया। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 88, 74, 55 या 60? तो हमारे अंतरिक्ष में जो तारामंडल की कुल संख्या है वो 88 है। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।